नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। अब देखिए, टीम इंडिया का सेलिब्रेशन जो है वो रुकना नहीं चाहिए, और जिस तरीके का प्रदर्शन करके टीम इंडिया आ रही है, वैसे तो उनका स्वागत धूमधाम से हो चुका है। टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया गया, पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत की गई। उसके बाद मुंबई में आपने सैलाब देखा होगा, करोड़ों की तादाद में फैंस वहां पर पहुंचे थे और हर किसी ने दिल खोलकर टीम इंडिया का स्वागत किया, वेलकम किया और बधाइयां भी दी। साथ ही साथ हर कोई खिलाड़ी का कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर अपना अलग अलग था। सूर्य कुमार यादव का वो कैच आपको याद होगा, बुमराह का वो स्पेल याद होगा, इसके अलावा हार्दिक पांड्या का लास्ट ओवर याद होगा जहां पर उन्होंने दो विकेट चटकाए थे और किस तरीके से रन डिफेंड किए थे, वे अपने आप में बड़ी बात है। तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन वहां पर हो रहा था, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो। विराट कोहली के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद फाइनल मैच में फिनिशर की भूमिका भी उन्होंने निभाई। तो अपने आप में हर किसी खिलाड़ी का एक अहम योगदान रहा है। तो अब देखिए, यहां से बीसीसीआई की ओर से देखिए 125 करोड़ रुपए जो है वो प्राइज मनी के तौर पर दिए गए थे, लेकिन अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका भी ऐलान कर दिया गया है। यहां पर जो 15 सदस्यीय स्क्वाड में प्लेयर शामिल थे, उन्हें जो है वो राशि जो है वो दी जाएगी 5 करोड़। इसके अलावा राहुल द्रविड़ और जो कोचिंग स्टाफ थे उनको दी जाएगी 2.5 करोड़। साथ ही साथ जो बैक रूम में जो स्टाफ थे उनको 1 करोड़ की राशि जो है वो दी जाएगी। और जो रिजर्विंग प्लेयर के तौर पर खिलाड़ी थे, जहां पर शुभमन गिल थे, रिंकू सिंह थे, खलील अहमद थे और आवेश खान थे, उन्हें जो है वो 1 करोड़ की जो राशि है वो दी जाएगी। तो ये प्राइस मनी जो है वो अपने आप में यूनिक है। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिना खेले ही मालामाल हो गए, करोड़पति हो गए, इनमें इस लिस्ट में जो है वो शामिल है नाम रिंकू सिंह का। इसके अलावा रिंकू सिंह जो है वो तो रिजर्व प्लेयर के तौर पर गए थे, लेकिन 15 सदस्यीय स्क्वाड की बात करें तो वहां पर 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बिना खेले ये प्राइज मनी मिली है, यानी कि 5 करोड़ मिले हैं। सबसे पहला नाम है जायसवाल का, एक भी मैच नहीं खेला, उन्हें मालामाल हो गए। दूसरा नाम है संजू सैमसन का, उन्हें भी 5 करोड़ की राशि जो है वो मिली है। इसके अलावा चहल, युजवेंद्र चहल जो भी 15 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल थे, उन्हें भी 5 करोड़ की जो धनराशि है, जो प्राइज मनी है वो मिली गई है। साथ ही साथ जो 4 प्लेयर्स थे रिजर्व प्लेयर के तौर पर, उन्हें भी प्राइज मनी मिली, 1 करोड़ की जो प्राइस बनी है वो दी गई है। इसमें शुभमन गिल, रिंकू सिंह, आवेश खान और खलील अहमद का नाम शामिल है। तो देखिए, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मिल चुका है। इसके अलावा सुनील गावस्कर ने ऐसा कहा है कि जो राहुल द्रविड़ है, उन्हें भारत रत्न का जो पुरस्कार है, जो अवार्ड है, ये मिलना चाहिए, क्योंकि उनका योगदान काफी अच्छा रहा है। जिस तरीके की टीम इंडिया प्रेशर में थी, और हमने देखा अभी तक साल 2023 में हार गए थे टीम इंडिया, तो फूक फूक कर कदम रखना पड़ रहा था। साल 2024 में स्टार्ट अच्छा मिल गया था, लेकिन कुछ कुछ मैचेस में हमने देखा था कि बड़े टफ मैचेस थे, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मैच हो, इवन जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, वो भी मैच बड़ा टफ था। लास्ट ओवर में 5 ओवर्स में गेम जो है वो चेंज हो सकता था, लेकिन वहां से टीम इंडिया ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, रोटेशन किया वहां पर, वो गजब का रहा है। वो आई थिंक वो हर एक खिलाड़ी ने कहा, ये चमत्कार, ये किस्मत रही है और हमने अपना 100% दिया है। हर किसी के मन में यही था कि इस बार वर्ल्ड कप जीतना है, और ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए एक बड़ा, कहीं ना कहीं यहाँ पर हर खिलाड़ी का योगदान रहा है कि उनका लास्ट मैच हो, तो इन्हें एक हम कहते हैं ना सम्मान के तौर पर ये मैच जो है उनके नाम करना चाहिए, और ऐसा ही हुआ भी। यहाँ पर राहुल द्रविड़ का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि वो बैकबोन की तरह नजर आए। जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही यहाँ पर राहुल द्रविड़ भी टीम इंडिया के लिए खड़े रहे हर एक सिचुएशन में, चाहे वो टीम इंडिया हारी हो, चाहे वो जीती हो, हर एक सिचुएशन में राहुल द्रविड़ के जो कोच हैं वो टीम इंडिया के थे, वो खड़े हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर हर खिलाड़ी का, हर कोच का अहम योगदान था, चाहे वो फील्डिंग कोच हो, चाहे वो बॉलिंग कोच हो, हर किसी का योगदान रहा है। तो देखिए, यहाँ पर रोहित और विराट की बात करूं, तो रोहित और विराट ने T20I से संन्यास का ऐलान कर दिया है, और यहीं से कई सारे प्लेयर्स जो है वो उभरते हुए आपको नजर आएंगे, और उभरता हुआ सितारा हम कहेंगे, क्योंकि T20I से इन दोनों खिलाड़ियों ने, तीन खिलाड़ियों ने, जड्डू ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, यहाँ से प्राइज मनी जो मिली है टीम इंडिया को, वो डिस्ट्रीब्यूशन का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही साथ जो टीम इंडिया के कोच हैं राहुल द्रविड़, उनका भी कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका है। कई सारे खिलाड़ियों ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब नया हिंदुस्तान, नया यंगिस्तान जो है वो सामने आ रहा है। तो देखिए, टीम इंडिया के इस ओवरऑल प्रदर्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके फटाफट से बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि भी खबर मिस ना होने पाए।